सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज मैं आपको 10th क्लास में बी पेपर के विषय में बताऊंगा, इसमें किस तरह के प्रश्न आते हैं और कैसे आपने इसको हल करना है, कितने नंबर का ये प्रश्न आता है। तो मैं आपको बता दूं कि बी पेपर जो आपका है ये 35 मार्क्स का होता है, ये चाहे SOS के स्टूडेंट हो चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो, सबके लिए ये 35 नंबर का ही होता है। और इसमें जो टाइम है वो भी वही 3 घंटे होते हैं जो आपके ए पेपर के लिए दिए जाते हैं। ए पेपर जो आपका आता है उसमें भी 2 प्रश्न आते हैं, उसमें एक ज्योमेट्रिकल ड्राइंग होता है और दूसरा स्केल ड्राइंग होता है। और जो आपका बी पेपर है उसमें भी 2 प्रश्न आते हैं, इसमें एक वस्तु चित्रण होता है और दूसरा आपका डिज़ाइन, पेंटिंग, कंपोजिशन, इलिट्रेशन, ये सब कुछ रहता है। तो मैं आपको विस्तार से बताऊँगा, इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक सामने दिए हुए हैं, आपने जो रोल नंबर अपना लिखना है वो शब्दों और अंकों में दोनों में लिखना है, दोनों प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 में वस्तु चित्रण है, उसमें पैमाने का प्रयोग आप नहीं कर सकते, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का जो प्रयोग है वो आप नहीं कर सकते, खास करके पैमाने का, फुट्टे का प्रयोग आप नहीं कर सकते। जो आपने दूसरा प्रश्न बनाना है उसमें आप कोई भी माध्यम यूज कर सकते हैं, जैसे पोस्टर कलर है, वाटर कलर है, स्केच पेंसिल्स है, पेंसिल कलर है, और पेंसिल से छाया आदि का प्रयोग उचित कलर स्कीम के लिए कीजिए, मतलब आप लाइट एंड शेडिंग से भी आप कार्य कर सकते हैं तो भी आपके कोई मार्क्स इसमें नहीं कटेंगे। स्वच्छता से अधिक अंक प्राप्त होंगे, तो यदि आपका कार्य साफ सुथरा होगा तो आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिलेंगे। पहला प्रश्न है वस्तु चित्रण में, अपने सम्मुख रखे हुए वस्तु समूह का चित्रण स्वच्छतापूर्वक उचित छाया व प्रकाश दर्शाते हुए कीजिए। इसमें 3 आपको ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, ड्राइंग बोर्ड है A4 साइज का और बड़े साइज की बुक है और सेव है, तो ये 3 चीज़ें आपने बनानी है इसमें मॉडल में ये दी हुई। और ये जो आपका प्रश्न है ये 17 नंबर का है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कुछ इस तरह के इसमें आपने ये बनाना है। पर ये मैं आपको बता दूँ, इसमें आप एक टाइम में 13 बच्चे सेमी सर्कल में बैठते हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में इस तरह का एक सेमी सर्कल बना रहेगा और जो आपका रोल नंबर होगा वो आप अपने रोल नंबर के हिसाब से बैठ सकते हैं। यदि 13 से ज़्यादा बच्चे हैं तो इसी तरह का एक अगला सर्कल लगाया जाता है और जो 14 रोल नंबर होता है वो 1 नंबर पर बैठता है। 4 नंबर के लिए हमेशा मॉडल सीधा दिखता है और बाकी जो स्टूडेंट होते हैं, बाकी रोल नंबर्स के बच्चे हैं, उनके लिए अपने अपने स्थिति से जो है वो अलग अलग दिखेगा ये मॉडल। और 1 नंबर पे जो बच्चा बैठता है उसके लिए 22.5 डिग्री की दूरी पे ये दिखता है, बाकी सभी बच्चों के बीच में भी 22.5 डिग्री की दूरी रहती है। मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस तरह से इसमें इतनी इतनी दूरी पे बच्चे बैठेंगे और इस तरह से आपने इसको बैठ के बनाना है। मॉडल कोई भी हो, किसी भी तरह का आता है, बैठने की स्थिति यही रहती है, इसी तरह से बैठ के आपने हर तरह का मॉडल बनाना होता है। तो अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है चित्र संयोजन कंपोजिशन, ये आपका 18 नंबर का है और ये मैं आपको बता दूँ इसमें 3 ऑप्शन आपके लिए दिए गए, मतलब 6 आपको ऑप्शन है, 6 में से आपने एक बनाना है। जैसे आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संपूर्ण रंगीन चित्रण संयोजित कीजिए, अपना मन पसंद पक्षियों का जोड़ा, तो जो भी आपको पक्षी अच्छा लगता है उनका आपने कपल बनाना है, जोड़ा बनाना है, एक ही पक्षी नहीं बनाना है, तो आपको इसमें 18 नंबर मिलेंगे। यदि वो आपको नहीं बनाना है तो आप भालू वाला बना सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं भालू वाला भी आप बना सकते हैं तो आपको 18 नंबर मिलेंगे। यदि आपको ये दोनों ही नहीं आते, आप दोनों नहीं बना सकते हैं, तो आप इसमें विज्ञापन चित्रण में अप्लाइड आर्ट में बना सकते हैं, इसके लिए आपको 2 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। फिर ड्रामा के लिए पूरे ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हुए विज्ञापन चित्र बनाएं, तो जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं इस तरह से आप ऊपर अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं, ड्रामे का, या किसी भी जगह का नाम लिख सकते हैं जहाँ पे भी आप इसको दिखाना चाहते हैं, और इस तरह से कोई जो आपकी बुक में जो ड्रामे का दिया हुआ है इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। स्टेज पे ये आदमी है, ये कुछ बोल रहे हैं,
इस तरह से आपने इसको बनाना है। यदि ये भी नहीं आपको आता है बनाना, तो आप आर्ट बुक, ये जो है नामक बुक के लिए बुक कवर डिज़ाइन बनाएं। तो बुक कवर डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये कुछ इस तरह के होता है। अलग अलग बुक के लिए अलग अलग डिज़ाइन होता है, पर आपने उसमें जो इसमें नाम लिखे हुए हैं वो आपने नहीं लिखने, इसके बीच में जो नाम आपने लिखना है वो लिखना है आर्ट बुक आपने लिखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरह से आप आर्ट बुक डिज़ाइन बना सकते हैं। यदि ये भी आपको दोनों नहीं आते, तो एक ऑप्शन और इसमें इलस्ट्रेशन का दिया हुआ दृश्यांत चित्र है, जिसमें पहला है प्यासा कौवा की कहानी को चित्रित कीजिए। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये प्यासे कौवे की कहानी है। तो जैसे पहले प्यासा कौवा उड़ता हुआ आता है, फिर कंकड़ उठा के जाता है, फिर पानी पीता है, फिर पानी पी के वहाँ से उड़ जाता है। तो इस तरह से आपने ये चार खाने बनाने हैं अपने शीट पे, और इस तरह से आपने इसको दर्शाना है। यदि ये भी आपको नहीं आ रहा है, तो एक लास्ट ऑप्शन आपके लिए बचता है, गुब्बारे बेचने वाला, या फिर आप इस तरह का बना सकते हैं। ये पुराना क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको इसी तरह का जो है वो पेपर आएगा एग्ज़ाम में, ये टीचर आपको देंगे। तो इस तरह से 6 ऑप्शन आपको मिलेंगे, और 6 में से आपने जो आपको उचित लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, 6 में से कोई एक आपने बनाना है। इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए 18 नंबर आपका, ये 18 नंबर का प्रश्न है, तो 18 नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं, क्योंकि इतने सारे इसमें ऑप्शन है। बाकी किसी भी प्रश्न में इतने अच्छे ऑप्शन नहीं मिलते कि 6 प्रश्नों में से सिर्फ आपने एक प्रश्न बनाना है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करिए मॉडल ड्राइंग की, और इस तरह से डिज़ाइन पेंटिंग आपके लिए, इलस्ट्रेशन आपके लिए, कंपोजिशन, ये जो आपके लिए आया हुआ है प्रश्न में, या आप कोई सा भी किसी भी प्रश्न पे आप इसमें बना सकते हैं। यदि आपको बनाने में समस्या आ रही है, या आपका कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उस सवाल का संतुष्टिजनक जवाब दूंगा। कोशिश करूंगा कि आपका प्रश्न का हल जरूर निकल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।